हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू 348 ब्लॉग। सो भाई बारिश हुई कल रात, अंधाधुंध वाली रात तो नहीं, मॉर्निंग टाइम भी हुई, लगभग 8 बजे के करीब तक बारिश लगी हुई थी। उसके बाद कब रुकी कोई पता नहीं है, उसके बाद मैं सो गया था। एंड नाउ बारिश रुक चुकी है और हम मार्केट जा रहे हैं। और आज है मिंजर का अपना क्या बोलते हैं सिक्स डे है आज। और भाई कल सेकेंड लास्ट और परसों मंडे को नहीं संडे को टोटली ख़त्म। तो भाई फिलहाल जो है मिंजर का यही है छोटा सा वो, और मौसम हो रखा है हर कुछ वाला। भाई साहब बादल आ रखे हैं उस तरफ हर कुछ वाले। एंड काफ़ी दिनों के बाद आज गोप्रो हेलमेट पे फंसा के चल रहा हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम। बट चलो थोड़ा सा ज़रूरी था ये भी। और नाउ थोड़ा फास्ट मार्केट पहुँचते हैं। भाई साहब 15 लोग टाइमली मार्केट पहुँचते हैं, हम देखते हैं क्या सीन है मार्केट का। तो भाई बढ़ते हैं सोली सोली आ गए हम, एंड पहुँचते हैं मार्केट पहले, क्योंकि पहले मार्केट पहुँचा जाए देन देखते हैं क्या काम धंधे हैं और क्या सीन है। तो चल रही है भाई कसाई, हाँ की कसाई। भाई साहब पानी नदी पे तीखा वाला खतरनाक सा लग रहा है कि कोई एरिया बहा के ही लेकर आ गया हो, कुछ इस तरह का पानी दिख रहा है। पानी भाई फिलहाल अपने इधर तो यही चल रहा है, बारिश स्लाइड और क्या बोलते हैं अपना नदियां नाले ये वो कुछ इसी तरह का, मतलब आंधी तूफान बाढ़ इस तरीके का चल रहा है। सभी तरफ से तगड़ा खतरनाक और पानी भर रही है, रोड पे भी कई जगहों पे पानी भर रखा है। इस लेवल का नहीं है बट इतना है कि छिटियों वाला पानी है, ख़राब सूट जूते कपड़े ख़राब करने वाला। ओ भाई साहब चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे थोड़े से टाइम में मार्केट। और भाई सुबह सुबह राइड का मज़ा ही अलग है, बस ये कीचड़ ना हो तो। फिलहाल कीचड़ को रोक नहीं सकते, नेचुरल लो है ये, सभी तरफ से पानी चल रहा है। भाई आगे आगे चल रही है बस, अभी ये उड़ाएगी काफ़ी ज़्यादा धूल, तो अपने को हो जाना है स्लो, क्योंकि भाई साहब बाड़े आ गए, रोड भर चुका है धूल से, काफ़ी तगड़ी धूल हो रखी है। पहुँच के पुल पे पहुँच गए, देखेंगे क्या सीन है। भाई साहब क्या गंदा ही फ्लो चल रहा है पानी का, और भाई बस ने उड़ाई दी है आगे धूल, कपड़े खराब, हालत खराब, सगल खराब, सब कुछ खराब। भाई साहब क्या तगड़े तरीके से पानी गिर रहा है उधर से, तगड़े फ्लो के साथ। एंड भाई धूल हो चुकी है ख़त्म, एंड यहाँ से अपना एग्जिट भी आ जाएगा, बस अब धूल उड़ाई या कुछ अपना कुछ नहीं होने वाला है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। नदी खतरनाक इतना तो नहीं लग रही है फिलहाल आज, बट पानी का कलर खतरनाक लग रहा है, फ्लो खतरनाक नहीं है उतना, बाकी फ्लो तो है ज़्यादा है बट कलर खतरनाक हो रखा है। और ये रास्ते में भी कीचड़ कीचड़ ही चल रहा है कई दिनों से। ऊपर फंसाने के बाद हेलमेट इतना हैवी हो जाता है कि बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, बट कोई ना, हेलमेट देख में अब बाय करना पड़ेगा, वो लाल कढ़ाई करेगी, देखते हैं राइट से बदले करेंगे। बाकी राइट कभी ये कन्फर्म नहीं है कि पूरा ताज़ा कर रहे हैं या केदारनाथ कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। बाकी जैसा रहेगा आपको बताएँगे टाइमली, मतलब
टाइम प्रॉपर डिसाइड हो जाएगा तो आपके साथ भी शेयर करेंगे, बट नॉट नाउ क्योंकि अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाया है। तो भाई गलियों गली में कैसे होकर के मौत के भाव, एक दो मिनट में इतने मिनट भी नहीं, आधे से मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपने। भाई साहब पहुंच चुके हैं हम श्री राम शॉप वाला, अपन जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम। अपन पहुंचेंगे अभी एक दो मिनट में सीधा रॉयल एनफील्ड सर्विस स्टेशन, एंड थोड़ा सा काम है इसका। मैं सोचा चंडीगढ़ मारिया चक्कर एक डिकैथलॉन, हाँ गड्डी बोनी लेना सामान खरीद अगर डिकैथलॉन का, तो गड्डी पर बोना ला देना फिर। जीरकपुर एक दिन लाना सी, जीरकपुर का जीरकपुर लाना एक दिन, वो करने हो सामान लेने हो तेरी तो भाई साहब खतरनाक मोड़ है ये वाला है ना। हाँ हाँ स्लिपरी हो जाता ज़्यादा उस वजह से, भाई साहब मेन रोड तक पहुंच चुके हैं हम, एंड चलते हैं स्लोली स्लोली सर्विस स्टेशन की तरफ। एंड बस थोड़ा बहुत इसको सिर्फ दिखाना है उधर, काम कोई है नहीं जो करवाना है, सिर्फ दिखा के लाना है उनको। भाई ये देखो बाइक हमारी, तो भाई साहब पानी खतरनाक वाला चल रहा है नीचे, बरखा ठीक हुई सवेरे टाइम। ठीक तो आई थी सवेरे टाइम भरी थी, कौन होंगे इन्ने समझदार जड़े बीच चौंक पर गड्डी लगाएंगे। एक्चुअली पर रॉन्ग साइड का कट्टा अब भी परे साइड का कट्टा जहाँ कट्टा होता मार भाई। यही जगह इतने सीमा वाला कोई भी व्हीकल हो साइड ही रही हो ना फोक रहा पता नहीं लगता। तो भाई साहब न्यू बालू ब्रिज और रावी में तो पानी भरा नहीं है अभी, बट कलर रिश्ता भी खतरनाक सा दिख रहा है। साहब रॉन्ग टाइम पे ब्रेक ऐसा ब्रेक ना मारा करो बे, एक तो है नहीं ना लोकल रोड तो यार लोकल रोड पर भी चली पूंदी मैं मंदा ना, बट पता क्या होता मोहित तेरी पीछे अगर लाइट बलती है ना उसेरी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ब्रेक लेगी तो एकदम ही रुकी की मां ना लाइट बली उसेरी ना कुछ तो पता नहीं लगता ना। पर बड़े ट्रक बहुत सारे ट्रक भाई ये कीचड़ कीचड़ से होकर के जाना पड़ता है अपने को, एंड पहुंच गए हम
उतार दूं। स्लीप हो गई पीछे फ्लो थोड़ी नहीं था थल्ले नीचे मैं बाइक था मोड़े करता ना ये मैं धक्का मार रहा ना ये बैक साइड जो बाइक जो मेरा पैर स्लिप हो गया थल्ले पानी है ना पी गए चिक्कड़ हो गया टाइल पर पैर ही स्लिप कर जाए बाइक ही ना खिंची मेरे का एंड काम था हमारा कुछ पेपर वर्क था रॉयल एनफील्ड में तो वो कंप्लीट हो गया है तो बाकी अभी चलते हैं दुकान चलते हैं मार्केट चलते हैं देखते हैं रुकेंगे बैठेंगे एंड इवनिंग का वीडियो अलग से बनाते हैं क्योंकि ये तो बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉगिंग का मन कर रहा था तब करके आज बाइक पे वीडियो नहीं तो बाकी आज निंजर का अलग से रखेंगे वीडियो तो कल दो दो वीडियो ओपन करेंगे कल के दिन पे दो दो वीडियो आएंगे तो कार है तो क्या करिए टक्कर मारता ना मारना ओ था ना वो तो नजर नहीं आया करती साइड में चल रहा है किसी का ओवरटेक करना बनता फिर बोलते गालियां दिंदा माई लड़दा माई और क्या करना लड़ना नहीं अभी थोड़ी दिन था इसका बैटरी कि मैं उसे सर फाड़ दिया अपना फटने का बैटरी भाई ना अगले फाड़ दिया यार आगे तो गड्डी आंदी उस टाइम तो मत करना ओवरटेक ओवरटेक करना कर दी जो ऐसा था नहीं रोड के साइड पर चल रहे हैं सिंपल जी गल है भाई देखो एक्चुअली क्या बोलते हैं देखो पहले टाइम था ना कि कोई एक थप्पड़ मारे ना तो दूसरा गाल अगे कर दो भाई मैं तीस वाले तेरे कैरेक्टर का बंदा है नहीं सीधी गल नहीं जो कोई थप्पड़ मारे नहीं जो कोई थप्पड़ मारे उसका बैटर कि उसका पहले मैं मार दिया सिंपल एंड प्लेन मोहित कोई मेरा सिर फाड़े उसका बैटर कि मैं अगले का फाड़ दिया अपना क्यों फड़वाना भाई दोबारा से फिर से अपना वही पावर हाउस वाला रोड इंजन ऑयल कौन लीक करता चल रहा है कौन गया इंजन ऑयल लीक कर दे सिर्फ सील हो जाने ऊपर घुसते बस मतलब मान ली चल कि एक किलोमीटर पर इंजन सील है दो किलोमीटर पर आज नीचे किन्ना जाता पे बूंद बूंद खत्म होती अब एक एक बूंद नजर आया करती भाई स्कूल बंद था नहीं छुट्टियां नहीं है स्कूल पता नहीं ठीक ही हो गया टाइम आउट था अगर आप गलियों गलियों से होकर के चल रहे हैं हम
और एक बीस्ट हमारा इधर खड़ा है, एक बीस्ट इधर खड़ा है हमारा,